दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही संवेदनशील कहानी है। सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये कहानी जो है ज़रूर आपके दिल को छुएगी। उसके अलावा दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, द काइंड पीकॉक। दोस्तों काइंड का मतलब होता है दयालु और पीकॉक का मतलब मोर। द काइंड पीकॉक मतलब कि दयालु मोर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द विलेज ऑफ कंगवाड़ा देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड भगवंत। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, सेकेंड फॉर्म में लिव्ड। और कॉल्ड का मतलब होता है नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है, इन द विलेज ऑफ कंगवाड़ा। इन द विलेज ऑफ कंगवाड़ा मतलब कि कंगवाड़ा गाँव में, देयर लिव्ड अ मैन एक आदमी रहता था कॉल्ड भगवंत। भगवंत नामक, क्या कह सकते हैं, भगवंत नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है कंगवाड़ा गांव में एक भगवंत नामक व्यक्ति रहता था, एक आदमी रहता था। ही लिव्ड विद हिज बिग फैमिली ऑफ हिज ओल्ड मदर वाइफ एंड फोर चिल्ड्रन। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, लिव्ड। ही लिव्ड विद हिज बिग फैमिली मतलब वह अपने, हिज मतलब अपने, अपने बड़े परिवार के साथ रहता था। ओल्ड मदर मतलब एक बूढ़ी माँ, वाइफ पत्नी एंड फोर चिल्ड्रन और चार बच्चे। ही यूज्ड टू मेक वुडन टॉयज एंड सेल देम इन द मार्केट। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है और यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप पास्ट की किसी भी कंसिस्टेंसी को दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उस कंसिस्टेंसी को, उस निरंतरता को दर्शाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है और यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही यूज्ड टू मेक वुडन टॉयज। मेक मतलब बनाना और दोस्तों वुडन का मतलब है लकड़ी के। वह लकड़ी के खिलौने बनाया करता था एंड सेल देम उन और उनको बेचता था इन द मार्केट बाजार में। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, SELL, सेल का मतलब होता है बेचना। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सेल में SELE को यूज़ करते हैं, वो भी एक वर्ड है SELE। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो दूसरा वर्ड है SALE वो वर्ब नहीं है, वो एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बिक्री। लेकिन जब आप वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर इस वर्ड का प्रयोग करना है जिसकी स्पेलिंग है SELL। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और आप इसे करेक्ट भी कर लीजिए। SALE जिसे हम सेल पढ़ते हैं, जो कि जिसका अर्थ होता है बिक्री, लेकिन वो एक वर्ब नहीं है, वो एक नाउन है। लेकिन जब आप वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको सेल का यूज़ करना होगा। चलिए आगे देखिए, सीन्स क्योंकि, सॉरी सीन्स हिज चाइल्डहुड। सीन्स का, सीन्स हिज चाइल्डहुड मतलब कि अपने बचपन से। ही हैड एन ओल्ड पीकॉक फ्रेंड हु लिव्ड इन द जंगल नियर हिज विलेज। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है आप देखेंगे यहाँ पर सीन्स का भी यूज़ किया गया। सीन्स हिज चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से। ही हैड एन ओल्ड पीकॉक,
फ्रेंड। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दर्शाना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हेड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, सीन्स हिज चाइल्डहुड, मतलब कि अपने बचपन से ही हैड एन ओल्ड पीकॉक फ्रेंड, उसका एक पुराना मोर मित्र था मतलब कि दोस्त था, हु लिव्ड इन द जंगल नियर हिज विलेज। दोस्तों हु का मतलब कौन होता है या जिसे, कई सारे इसके मतलब होते हैं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस को देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, हु लिव्ड इन द जंगल, जो जंगल में रहता था, नियर हिज विलेज, उसके गाँव के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसका सीन्स ही चाइल्ड, मतलब बचपन से ही हैड एन ओल्ड पीकॉक फ्रेंड, उसका एक पुराना मोर मित्र था, मोर दोस्त था, हु लिव्ड इन द जंगल नियर हिज विलेज, जो उसके गांव के पास जंगल में रहता था। द पीकॉक यूज्ड टू डांस एंड एंटरटेन हिम व्हेन एवर ही वॉज अपसेट। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में भी यूज टू का प्रयोग किया गया है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। डांस का मतलब नाच करना, नृत्य करना, और जैसा मैंने आपको बताया पास्ट ही किसी भी आदत को दर्शाने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। और आप यहाँ पर ये चीज़ भी नोट करें कि यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना। द पीकॉक यूज टू डांस एंड एंटरटेन हिम, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि मोर डांस किया करता था, मतलब कि नाचा करता था, एंड एंटरटेन हिम, और उसका मनोरंजन करता था, वेन एवर ही वॉज अपसेट, जब भी वो उदास होता। अपसेट मतलब उदास होना और वेन एवर मतलब जब भी। आगे देखिए, वन डे आफ्टर सेलिंग हिज टॉयज भगवंत वॉज रोमिंग इन द सिटी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये SELL की फोर्थ होम है सेलिंग, और यहाँ पर मैं आपको चाहूँगा कि आप एक छोटी सी चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप आफ्टर, बिफोर या विदाउट, फ्रॉम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फोर्थ होम का यूज़ करना होता है। तो आप दोबारा से इस चीज़ को मैं बताऊँगा और आप इसे नोट कर लीजिए, आफ्टर, बिफोर, विदाउट और फ्रॉम के बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करना होगा। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं, वन डे एक दिन, आफ्टर सेलिंग हिज टॉयज मतलब एक दिन अपने खिलौनों को बेचने के बाद, भगवंत वॉज रोमिंग इन द सिटी। और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रोम का अर्थ होता है घूमना और ये फोर्थ फॉर्म है। भगवंत वॉज रोमिंग इन द सिटी, भगवंत शहर में घूम रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन अपने खिलौने बेचने के बाद भगवंत शहर में घूम रहा था, वॉज रोमिंग इन द सिटी, सडनली ही सॉ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल कैप्ट इन अ शॉप। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सी मतलब देखना, SEE और ये सेकेंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, सडनली अचानक, ही सॉ समथिंग उसने कुछ देखा, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर उसने कुछ देखा, कैप्ट जो कि रखा हुआ था, इन अ शॉप एक दुकान में। तो क्या मतलब हुआ कि अचानक उसने देखा, मतलब कुछ सुंदर सा जो कि दुकान में रखा हुआ था, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई देयर शाइन एंड ब्यूटी। दोस्तों अट्रैक्ट का मतलब था आकर्षित हो जाना, ही वॉज अट्रैक्टेड वो आकर्षित हो गया, बाई देयर शाइन एंड ब्यूटी उनके चमक से और उनकी सुंदरता से वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। ही क्विकली थॉट ऑफ बाइंग दोज टू सरप्राइज हिज वाइफ। और दोस्तों ये थिंक का मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म में थॉट। तो क्या अर्थ हुआ, ही क्विकली थॉट ऑफ बाइंग दोज टू सरप्राइज हिज वाइफ, और सरप्राइज का मतलब होता है हैरान करना, मतलब उसने जल्दी से उन चीज़ों को खरीदने के बारे में सोचा, टू सरप्राइज हिज वाइफ अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए, उसे हैरान करने के लिए। आगे देखिए, ही आस्क्ड द सेलर फॉर द प्राइस, आस्क मतलब पूछना, ही आस्क्ड द सेलर फॉर हिज प्राइस मतलब उसने सेलर का मतलब था बेचने वाला विक्रेता, उसने विक्रेता से उसके दाम के बारे में, मूल्य के बारे में पूछा। व्हेन द शॉपकीपर टोल्ड भगवंत द प्राइस, जब दुकानदार ने भगवंत को उसका रेट बताया, मतलब कि मूल्य बताया,
ही फाउंड दैम वेरी कॉस्टली। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फाउंड का यूज़ किया गया, आप ऑलरेडी इसकी मीनिंग जानते हैं, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब मिलना पाना। उसके अलावा लगने को भी फाइंड कहा जाता है, तो आप इस चीज़ को जरूर नोट करें क्योंकि कई सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लगना का मतलब होता है जब हमें कोई चीज़ लगे तो उसे भी फाइंड कहते हैं, और यहाँ पर उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जब दुकानदार ने भगवंत को रेट बताया, मतलब कि प्राइस बताया, ही फाउंड दैम वेरी कॉस्टली, उसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, दैम का मतलब हो गया उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर दैम को चीज़ बोल दिया ताकि आप इसे समझ सकें। ही फाउंड दैम वेरी कॉस्टली, उसे वो चीज़ें बहुत कीमती लगें। द शॉपकीपर ऑल्सो सैड दैट द शॉपकीपर ने ये भी कहा कि दैट की द कॉस्ट वॉज हाई, तो दुकानदार ने ये भी कहा द कॉस्ट वॉज हाई, जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो ऊँची है, मतलब ज़्यादा है, क्योंकि दोज आइटम्स वर मेड ऑफ पीकॉक फैदर्स, और फैदर का मतलब होता है पंख। उसने बताया कि जो दाम ज़्यादा है उसका कारण है दोज आइटम्स वर मेड ऑफ पीकॉक एग्स, मतलब वो जो आइटम हैं वो मोर के पंखों के बने हुए हैं, और यही उसने वजह बताया उनकी कीमती होने का। आगे देखिए, भगवंत रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव पीकॉक फैदर्स वर। और दोस्तों रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध होना, पता चलना, एहसास होना, सेकेंड फॉर्म रियलाइज्ड। भगवंत रियलाइज्ड मतलब जो भगवंत को एहसास हुआ, उसे पता चला कि हाउ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव पीकॉक फैदर्स वर, की जो मोर के पंख हैं वो कितने सुंदर और कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, मतलब कीमती हैं, उसे उस चीज़ का एहसास हुआ। ही डिसाइडेड टू सेल पीकॉक फैदर्स। और दोस्तों यहाँ जो ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। डिसाइड का मतलब निर्णय करना, फैसला करना। और यहाँ एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर एक और वर्ब को जोड़ा गया है, तो आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप दो वर्ब का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही डिसाइडेड टू सेल पीकॉक फैदर्स, उसने मतलब मोर के पंखों को बेचने का फैसला किया। सो दैट ताकि ही कुड ऑल्सो अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ताकि वो भी बहुत सारे पैसे कमा सके, अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकम रिच, और वो अमीर बन सके। बिकम मतलब बनना एंड बिकम रिच। तो उसने क्या फैसला किया, उसने फैसला किया, ही डिसाइडेड टू सेल पीकॉक फैदर, मतलब उसने मोर के पंखों को बेचने का फैसला किया ताकि वह अधिक पैसे कमा सके। ही कुड ऑल्सो अर्न लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमा सके एंड बिकम रिच, और वो अमीर हो सके, बन सके। आगे देखिए, डिलाइटेड बाय हिज न्यू आइडिया भगवंत सून रिमेंबर्ड हिज पीकॉक फ्रेंड इन द जंगल हु कुड हेल्प हिम आउट बाय शेयरिंग हिज फैदर्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, डिलाइटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खुश होना, प्रसन्न होना। तो डिलाइटेड बाय हिज न्यू आइडिया मतलब अपने इस नए आइडिया से, विचार से खुश होते हुए, भगवंत सून रिमेंबर्ड, भगवान को रिमेंबर मतलब याद आना, सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, भगवान को जल्दी से याद आया हिज पीकॉक फ्रेंड इन द जंगल, मतलब उसे अपना जो जंगल में जो उसका एक मोर दोस्त है उसके बारे में उसको उसकी याद आई उसको। हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता है, हेल्प हिम आउट बाई शेयरिंग हिज फैदर्स, जो उसे अपने पंख देकर उसको उसकी मदद कर सकता है। भगवंत सून रश टू द जंगल, और दोस्तों रश का मतलब होता है किसी स्थान पर जल्दी से पहुंचना, सेकंड फॉर्म रश। भगवंत जल्दी से जंगल पहुंचा एंड मेट द पीकॉक, और मोर से मिला। द पीकॉक वॉज वेरी हैप्पी टू सी भगवंत आफ्टर ए लॉन्ग गैप, और ये जो पीकॉक था वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था भगवंत को आफ्टर ए लॉन्ग गैप, मतलब एक लंबे समय के बाद देख कर वो जो मोर था बहुत खुश था। भगवंत दैन मेड अ सैड फेस, और दोस्तों सैड फेस का मतलब होता है उदास चेहरा, और ये मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। भगवंत दैन मेड अ सैड फेस, फिर भगवंत ने एक उदास चेहरा बनाया। आगे देखिए, द पीकॉक आस्ट भगवंत दैट वाई ही लुक्ड सो वरीड। क्या अर्थ हुआ, द पीकॉक आस्ट भगवंत, जो पीकॉक था मोर था उसने भगवंत से पूछा दैट की वाई ही लुक्ड सो वरीड, वो इतना चिंतित क्यों लग रहा है, वरीड मतलब चिंतित। भगवंत रिप्लाइड, भगवंत ने जवाब दिया, ओ डियर पीकॉक, पीकॉक मतलब मेरे प्यारे मोर, वॉट ए टफ टाइम आई एम हैविंग, वॉट ए टफ टाइम आई एम हैविंग, मतलब मेरा कितना एक कष्टकारी समय चल रहा है, मतलब कितना एक बुरा समय चल रहा है। आई एम सो डिप्रेस्ड दीज डेज, डिप्रेस्ड का मतलब तनावग्रस्त होना, आई एम सो डिप्रेस्ड दीज डेज, और मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, तनावग्रस्त हूँ।
आई हैड मेड सम टॉयज टू सेल इन द सिटी। दोस्तों देखिए इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब जब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, तो इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है जहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या बोला, आई हैड मेड सम टॉयज टू सेल इन द सिटी, मतलब मैंने शहर में बेचने के लिए कुछ खिलौने बनाए थे। आई हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम ए फ्रेंड। और दोस्तों देखिए आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और ये थर्ड फॉर्म है और हेड के साथ यूज़ किया गया, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या लाइन का अर्थ हुआ, उसने आगे क्या कहा, आई हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम ए फ्रेंड, मतलब मैंने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे। टू मेक दोज टॉयज़, उन खिलौनों को बनाने के लिए। और दोस्तों दोज भी समझ लीजिए, दैट का दोज है, जब कोई वस्तु होती है एक से अधिक तो वहाँ पर दैट की जगह दोज का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि मैंने अपने एक दोस्त से उन खिलौनों को बनाने के लिए थोड़े पैसे उधार लिए थे, बट लेकिन आई कुड नॉट सेल देम। और दोस्तों कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, जिसकी जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर वाक्य की टेल पर सका सकी सके पाया पाई होगा तो वहां पर कुड का यूज़ किया जाता है, और यदि वो नेगेटिव होगा तो कुड के बाद नॉट भी लगाया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, बट आई कुड नॉट सेल देम, देम जो है वो खिलौनों के लिए यूज़ किया गया, लेकिन मैं उनको बेच नहीं पाया। नाउ अब माई फ्रेंड वॉन्ट्स हिज मनी बैक। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे भी नोट कर ही लीजिए, क्योंकि मैं चाहूँगा हर स्ट्रक्चर आप अच्छे समझ लें। ये जो हमारा वाक्य है, अब आप देखेंगे यहाँ पर वॉन्ट्स लगाए गए, डब्ल्यू ए एन टी वॉन्ट जो है इसका मतलब चाहना होता है, और डब्ल्यू ए एन टी वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप इसमें एस लगाएंगे वॉन्ट्स हो जाएगा, ये फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों फिफ्थ फॉर्म क्या होती है कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं तो वो फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। और कई बार ऐसा नहीं कि हर बार एस ईएस लगेगा, कुछ और भी लग सकता है, लेकिन वो बहुत ही एक्सेप्शंस होता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे एस या ईएस ही लगता है उसे फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए। और फिफ्थ फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट, इस चीज़ को नोट करिए जो मैं बता रहा हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा, तब आपको वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और ये कब करना होता है, इस चीज़ को आप जरूर नोट करें, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और आपका सब्जेक्ट ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा, तब आपको फिफ्थ फॉर्म लगानी है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका मतलब देख लेते हैं, क्या अर्थ हुआ। नाउ अब माई फ्रेंड वॉन्ट्स हिज मनी बैक, मतलब अब मेरा दोस्त अपने पैसे वापस चाहता है। बैक मतलब वापस। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू रीपे हिम। दोस्तों रीपे को नोट कर लीजिए, आर ई पी ए वाई, रीपे का मतलब होता है किसी के कर्ज चुकाना। आई डोंट नो हाउ टू रीपे हिम, मैं नहीं जानता उसका कर्ज कैसे चुकाऊँ, मतलब उसे कैसे पैसे वापस करूँ। हाउ शुड आई अरेंज मनी एंड फूड फॉर माई फैमिली सो सून, मतलब मैं अपने परिवार के लिए पैसों का और खाने का प्रबंध कैसे करूँ इतना जल्दी। चलिए आगे देखिए, द पीकॉक फेल्ट सैड टू हियर दिस एंड आस्ट। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एफ डबल एल फील का मतलब है महसूस करना, और सैड उदास, द पीकॉक फेल्ट सैड मतलब मोर ने दुखी महसूस किया, टू हियर दिस मतलब ये सुनकर मोर ने दुखी महसूस किया, एंड आस्ट और पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू फ्रेंड, और उसने पूछा दोस्त मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए, भगवंत ग्रीडिली आस्क्ड द पीकॉक टू गिव हिम सम ऑफ हिज ब्यूटीफुल फेदर्स एंड सेव हिम फ्रॉम द ट्रबल। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये देखिए ग्रीडली एक एडवर्ब है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लिए क्या वर्ड है। ग्रीड, GREED, ग्रीड का मतलब होता है लालच, और GREDY, ग्रीडी मतलब होता है लालची, जो कि एक एडजेक्टिव है, और ये जो है GREDILY, ग्रीडिली, ये एडवर्व है, और एडवर्व का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। तो ऐसा जो कोई भी शब्द होगा जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है उसको एडवर्व कहा जाता है, और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्व हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। तो ग्रीडिली का मतलब होता है लालच से या लालचीपन से। भगवंत ग्रीडिली आस्क्ड द पीकॉक, मतलब भगवंत ने लालचीपन से, लालच से या लालचीपन से कह सकते हैं, मोर से कहा टू गिव, उस देने को,
हिम अपने मतलब उसे देने को कहा, टू गिव हिम सम ऑफ हिज ब्यूटिफुल फैदर्स, मतलब उसे अपने कुछ पंख देने को कहा, सुंदर पंख देने को कहा, एंड सेव हिम फ्रॉम द ट्रबल, और उसे परेशानी से मतलब अपने आप को परेशानी से बचाने को कहा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप पूरे लाइन को समझ ही गए होंगे कि जो भगवान था उसने बड़े लालचपन से उस मोर को कहा कि वो उसको अपने थोड़े पंख दे दे, सुंदर पंख दे दे, और उसको इस समस्या से, इस ट्रबल से, परेशानी से बचाए। चलिए आगे देखिए। भगवान टोल्ड द पीकॉक दैट हिज फैदर्स वर एक्सट्रीमली प्रीशियस, जो भगवंत था उसने पीकॉक को बताया, ये टेल की सेकंड फॉर्म में टोल्ड जिसका मतलब बताना, भगवान टोल्ड द पीकॉक, भगवंत ने मोर को बताया कि हिज फैदर्स वर एक्सट्रीमली प्रीशियस, कि जो उसके पंख हैं, फैदर्स हैं, पंख हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रीशियस मतलब कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। इफ़ यदि भगवंत सोल्ड दैम इन द मार्केट, यदि भगवंत उनको बाजार में बेचेगा, ही वुड गेट ह्यूज मनी इन रिटर्न, उसे बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ह्यूज मतलब बहुत सारे, बहुत अधिक, उसे बदले में बहुत पैसे मिलेंगे, रिटर्न मतलब बदले में, ही कुड देन रीपे ऑल हिज लोन्स, और फिर वो अपने जितने भी उसके लोन्स हैं मतलब कि जो उसका कर्जा है उसे वो रीपे कर सकता है, रीपे का मतलब चुकाना, उसको चुका सकता है, एंड हेल्प हिज फैमिली टू, और वो अपने परिवार की भी मदद कर सकता है। द पीकॉक हैप्पीली अग्रीड, और दोस्तों हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, वही भी एडवर्ब है, और अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड, द पीकॉक हैप्पीली अग्रीड, जो पीकॉक था, मोर था, वो खुशी खुशी राजी हो गया, सहमत हो गया टू इट इस बात से, एंड अलाउड भगवंत, और उसने भगवंत को अनुमति दी टू कट काटने की, एंड मेक एंड टू एंड टेक ले जाने की फ्यू ऑफ हिज फैदर्स। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो मोर था उसने वो खुशी खुशी इस बात से सहमत हो गया और उसने भगवंत को अपने कुछ फैदर्स को मतलब पंखों को काटने की और उनको ले जाने की उसने अनुमति दी। चलिए चलिए दोस्तों आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि अब मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। आज मेरी कोशिश थी कि मैं इसको पूरा ही कवर करूं लेकिन दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी है और ये जो अगला पार्ट है वो कल ही कवर हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कल दोपहर को या फिर कल शाम को ये जो इसका अगला पार्ट है वो कवर करूंगा। और दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएँ, और इसका यदि आप अगला भाग भी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताएँ, कहानी बहुत ही अच्छी है और आगे हमें अगले भाग में ज़रूर पता चलेगा कि इन दोनों की दोस्ती का आगे चल के क्या होता है, और ये जो व्यक्ति है जिसने लालचपन से उस मोर से अपने पंख मांगे उसका आगे चल के क्या होता है, ये हमें कल के भाग में पता चलेगा। तो दोस्तों ये स्टोरी बस यहीं तक थी, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो और आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो आप उसे ज़रूर बताएं क्योंकि जो आपके सुझाव हैं बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हैं, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके सुझाव हैं, जो भी आपके मार्गदर्शन हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं वीडियोस में, ताकि उसमें वीडियोस को और भी सुधार किया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, ताकि जो भी इस अपना आप यहां पर समय देते हैं, सुनते हैं, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो दोस्तों सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।